बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बहुत से लोग जो हैं वो इसरार कर रहे थे कि नस्कॉम कैरियर जॉब्स असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर है मैथमेटिक्स के लिए वो शेयर किया जाए। तो आज मैं आपके साथ जो है असिस्टेंट मैनेजर मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर जो है ये बेसिकली डिफरेंट पेपर्स का कम्बिनेशन है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर में जो है डाले हैं, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं पीएसी नस्कॉम केरल की तरफ से। उनमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कई सालों से जो है वो आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी सपोर्ट मिली तो इंशाल्लाह इस तरह कि और भी बहुत से इनसिलेटेड में पेपर्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को। ये क्वेश्चन नंबर वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट डेटा। ये चार ऑप्शंस गिवन है। सैम इज 160 सेंटीमीटर टॉल, सैम हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, सैम वेट्स 60 kg, सैम रेन्स 100 meters इन 10.2 seconds। सबसे पहले तो ये कि आपको डिस्क्रीट डाटा का पता होना चाहिए, तो ये आप चेक कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो मैथमेटिक्स में क्या होती है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर वन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैम हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। ये एक डिस्क्रीट डाटा है इन चारों में से, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर जो टू था इस पेपर का वो बेसिकली है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव डाटा। ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है। हमारे पास डाटा भी दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है एक क्वांटिटेटिव होता है। तो ये क्वांटिटेटिव का जो है वो पूछ रहा है। ऑप्शंस गिवन है, द स्नेक इज 7 feet लॉन्ग, स्नेक हैज टू आईज, स्नेक इज ग्रीन एंड येलो, स्नेक हैज नो लेग्स। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द स्नेक इज ग्रीन एंड येलो। ये जो इन चारों में से ऑप्शन जो है ये क्वांटिटेटिव डाटा है, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ सेट हैज पावर सेट विथ 5, 1, 2 मेंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स डज एस हैव। एस मीन सेट की है। ऑप्शन गिवन है 9, 11, 12, 5.2। अच्छा जी, मैंने कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, और इस क्वेश्चन की ये एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग एलिमेंट इज 2n, और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में 2n किसके बराबर है, 512। तो 2 पावर n को, अच्छा 512 को हम 2 पावर 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो तो 512 ही बनते हैं, और हमें पता है जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं, ये हमारे पास रूल है। तो n = 9 हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास n = 9 जो है ऑप्शन ए है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फोर है, एक सेट जो है हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j, q, k गिवन है, और हमसे वो पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल द पावर सेट हैव। तो पावर सेट जो है उसमें कितने मेंबर्स जो है वो हमारे पास होंगे। ऑप्शन गिवन है 169, 4096, 8192, 16384। ये चार ऑप्शन गिवन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8192। तो इस पावर सेट में मेंबर्स जो हैं वो 8192 होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक ही हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 201, 20-1, 30-2, -4-1-4, और उसने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमसे पूछा हुआ है। ये सिंबल बेसिकली डिटरमिनेंट की होती है। अच्छा, डिटरमिनेंट
आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं? सपोज इसी मैट्रिक्स की अगर बात कर लें तो ये फर्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं और इस तरह देखते हैं, और ये हमारे पास एलिमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस साइन डाल के ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं डायगनल्स के। फिर जो सेकेंड एलिमेंट होता है रो का, वो माइनस साइन के साथ आता है, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो है, तो ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा जीरो कर देगा। और जो फिर थर्ड एलिमेंट आता है रो का, वो माइनस वन आएगा। फिर आप इसे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ऐसे रखेंगे और इन दोनों का मार लेंगे, तो वो 3 × 1 − 5 × −4 आ जाएगा। तो आप सिंपल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन ए है, और वो ही हमारा करेक्ट आंसर है, और वो डिटरमिनेंट है हमारी इस मैट्रिक्स का। तो राइट आंसर है वो है 13, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया हमारे पास गिवन है कि वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 हो, ठीक है, एंड वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 4 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि जो एंगल 90 है उसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और पूछ कह रहा है व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज इन सेंटीमीटर। जो अच्छा एल्टीट्यूड पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो है वो सेंटीमीटर पे। ऑप्शन गिवन है 2 सेंटीमीटर, 20 / √29 सेंटीमीटर, 2 / √26 सेंटीमीटर, या 2 × √29 सेंटीमीटर। मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी है इस क्वेश्चन की, मैं रीड कर देता हूँ। लेट लेंथ ऑफ अदर परपेंडिकुलर साइड बी ए सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज बी सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये फार्मूला वो यूज किए, एरिया हमारे पास क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस भी हमारे पास गिवन है, ये जो इसने बताई हुई है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ही जो फाइंड कर रहे हैं जो एल्टीट्यूड है बेसिकली हाइपोटेन्यूज के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ से हमने ए जो है सिंपल करके, ये दो चार से कटेगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट। परपेंडिकुलर यहाँ से फाइंड कर लिए 10 है, बेस गिवन है 4, इनके स्क्वायर करें और अंडर रूट आप करेंगे तो आपके पास 2 × √29, ये तो हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें पता है ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, एरिया जो है वो गिवन है, वो यहाँ पे 20 पुट करेंगे, हाफ इंटू ये जो हाइपोटेन्यूज है ये जो फाइंड कर लिया वो है, और ये जो एक चीज जो है ये कह लें एल्टीट्यूड है जो हमने फाइंड करनी है, उसे एक किसी अननोन पी से कह दिया। यहाँ से आप सिंपल करेंगे, 2 2 से कटेगा तो पी बच जाएगा 20 / √29। तो हमारा जो पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 20 / √29, 20 / √29 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x − y = 3 एंड x + 2 y = 6 आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमसे पूछ रहे हैं, ए दिस, बी दिस, सी दिस, डी दिस। तो आप सिंपल सोल्व कर लें, x − y = 3, x + 2 y = 6, सपोज इस इक्वेशन 1 कर लें, इस इक्वेशन 2 कर लें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐड करेंगे तो आपके पास x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 होगा, तो आपके पास 0 0 जो है वो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सर्कल के सेंटर के। तो 0 0 हमारे पास ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज, ये बेसिकली जो इस तरह की सिंबल होती है ना, ये होती है ओपन इंटरवल के लिए और ये क्लोज इंटरवल के लिए होती है। ये हम शामिल कर रहे होते हैं सेट के अंदर, ये हम शामिल नहीं कर रहे होते। तो कह रहा है कि इन्फिनिटी से 0 और इंटरसेक्शन 0 से इन्फिनिटी, ये बेसिकली पूछ रहा है क्या होगा। ये चार ऑप्शन गिवन है, 5 होगा, 0 सेट होगा, r − 0 सेट होगा, या r होगा। तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, या आपने खुद देखना है, खुद चेक करना है कि क्या होगा, अपने बेसिक मैथमेटिक्स की कंसेप्ट लगा के। तो
अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन मेरे पास एक सेट जो है वो गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 4, 9, 16। तो वो मुझसे कह रहा है कि व्हाट इज एस, एस क्या है, ये मुझसे पूछ रहे हैं। एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर नोटेशन, सेट गिवन है वो, इसकी मुझसे बिल्डर नोटेशन फॉर्म जो है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, तो जो बिल्डर नोटेशन फॉर्म है इसकी वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कैसे बिल्डर नोटेशन फॉर्म लिखती है, लिखी जाती है। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन ए, ये इस सेट की जो है राइट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2 पावर 7 इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। ऑप्शन गिवन है 84 x पावर 5, 280 x पावर 4, 280 x पावर 3, 560 x पावर 3। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 84 x पावर 5 जो है वो फिफ्थ टर्म है इस एक्सपेंशन में इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है इस पेपर का, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है वो 7 है और जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो हम बेसिकली इसमें अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी ओवर ए होते हैं हमारे पास, और अल्फा बीटा जो मतलब प्रोडक्ट होता है वो सी ओवर ए होता है। तो यहाँ से आप ये इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है वो ये पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन गिवन है, x² + 7x - 12, ऑप्शन बी x² + 7x + 12, ऑप्शन सी x² - 7x - 12, ऑप्शन डी x² - 7x + 12। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, x² - 7x + 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इफ x = yA, y = zB, z = xC, देन द वैल्यू ऑफ a.b.c इज। ठीक है, ये आपस में इसने एक्स वाई जी ए बी सी की रिलेशन एक बताई है और हमसे ए बी सी का प्रोडक्ट जो है वो पूछ लिया। ऑप्शन गिवन है 1 x.y.z, x.y.z और इसका पूरे का प्रोडक्ट ए बी सी के साथ, या 0। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 जो है वो a.b.c हमारे पास होगा। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत टाइम लगता है ये क्वेश्चंस सीनियर से कलेक्ट करना, फिर इन क्वेश्चंस को टाइप करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मजीद मैं आपके साथ इस तरह के पेपर शेयर करता रहूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, वन कंप्लीट टर्न इज सेम एज। एक जो कंप्लीट टर्न जो होता है वो क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, 3π/2 रेडियन होता है, या 2π रेडियन होता है। तो हमें पता है जो एक कंप्लीट टर्न होता है वो 2π रेडियन होता है, 360 जो रोटेशन होता है, जो ऑप्शन डी है वो ठीक हमारे पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x < 0, y > 0, देन इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट एक्स वाई लाइज। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो पॉइंट एक्स वाई जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ऑप्शन गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा होता है, अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है पॉइंट। ये सर, जब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है हमारा पॉइंट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो। ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 45 डिग्री। हम पता है साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, जबकि साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, और साइन 60 √3/2 होते हैं और कॉस 60 1/2 होते हैं। तो
और 90 पे तो साइन थीटा 91 हो जाता है और कास 90 हो जाता है। तो ये आपको कुछ ये इस तरह की चीजें याद होनी चाहिए। तो 45 एंगल एक ऐसा होता है जहाँ साइन थीटा और कास थीटा बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ हेप्टागोन इज पॉलीगोन हैविंग डैश नंबर ऑफ साइड्स। एक हेप्टागोन कैसी पॉलीगोन होती है, मतलब इसकी कितनी साइड्स हमारे पास होती हैं। तो ऑप्शंस ये मैंने 5, 6, 7, 8। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7। एक जो हेप्टागोन ऐसी पॉलीगोन होती है जिसकी 7 साइड्स होती हैं हमारे पास। अच्छा, तो इस पेपर के यही 16 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह और भी एएम मैथमेटिक्स रिलेटेड पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देने। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।